तो आपने अभी तक पैरोग्राम लॉ के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। और इस स्लाइड में हम लोग बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, पैरोग्राम लॉ की, हाउ टू ऐड वेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ पैरोग्राम लॉ। तो बार फिर से देखते हैं कि पैरोग्राम लॉ क्या होता है। इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू वेक्टर्स, ये दो हमारे वेक्टर्स हो गए, है ना, तो जिसका डायगनल होता है दैट रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, इट रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द डायगनल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ओके, सो ये हमने फॉर्मूला निकाला था, आर इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, टेन अल्फा इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा विद द वेक्टर ए। ये बात हमको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोला था मैंने। बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम देखेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं। देखते हैं पहली प्रॉब्लम क्या है, रीड करिए आप। टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब किसी ब्लॉक पे, ठीक है, दो फोर्सेस, जैसे ये मोबाइल हो गया ना, इस पे दो फोर्सेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन लग रहे हैं, ठीक है, एक फोर्स पे इधर लग रहा है, ऐसे लग रहा है एक फोर्स, ठीक है, और एक फोर्स पे ऐसे लग रहा है। तो देखिए आप, ये ब्लॉक किधर जाएगा, ये इधर जाएगा कहीं बीच में, अगर आप ऐसे फोर्स अप्लाई करते हो, एक फोर्स इधर से और एक फोर्स इधर से, दोनों 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। तो हमें बताकर ना कि उनका रिजल्टेंट कितना होगा। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड रिजल्टेंट फोर्सेस, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तुम क्या करेंगे, देखिए पहले हमने 20-20 के दो फोर्सेज बना लिए वैक्टर्स सेम लेंथ, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसलिए मैं सेम लेंथ लूँगा एंड एट 90 डिग्री। अब मुझे इनको पैरोग्राम लॉ से बनाना है, तो पैरोग्राम लॉ को हम बोलते हैं टेल टेल मेथड, है ना। देखिए मैंने लिखा हुआ अभी यहाँ पे पैरोग्राम लॉ क्या है, टेल टेल मेथड। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रिंग टू वेक्टर्स ब्रिंगिंग देयर टेल्स टुगेदर, उनके टेल्स को साथ में लाते हुए आप उनको ज्वाइन कर दिए एंड देन ड्रॉ ए पैरोग्राम, इन दिस केस पैरोग्राम विल बी स्क्वायर एंड यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द डायगनल एंड डायगनल गिव्स यू रिजल्टेंट। तो मैंने क्या किया, देखिए ये एफ बनाया, दोनों की टेल्स को ज्वाइन करना, दोनों की, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, दोनों की टेल्स को पकड़ के ज्वाइन करिए और डायगनल बना दिए, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट आएगा। तो इसका मतलब जो ये ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरफ भागेगा, इसकी तरफ, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, बेसिकली वी हैव सेम, है ना, जो हमारा ए और बी दोनों सेम है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 90, cos 90 is 0, so we have root 2f. तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया root 2f. तो f और f का रिजल्टेंट देखिए यहाँ पे root 2f हो गया, ठीक है। और आपको शायद थोड़ी फील तो आ रही होगी कि जो ऑब्जेक्ट होगा, बिकॉज बोथ फोर्सेज आर इक्वल, इसलिए ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीच में जाएगा, बट इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। टेन अल्फा क्या होता है, देखिए वॉट इज अल्फा, अल्फा इज एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद वेक्टर ए, तो tan alpha is b sin theta upon a plus b cos theta, ठीक है, ये tan alpha की वैल्यू हो गई। और अब हमें पता है कि यहाँ पे जो थीटा होता है वो a और b के बीच का एंगल है, तो आप देख सकते हो कि एंगल बिटवीन a एंड b इज 90, मैंने वैल्यू पुट की। इसको आप वीडियो पॉज करके अपने आप आंसर निकालेंगे, मैंने इतना क्वेश्चन दिया है ना, आपको अपने आप आंसर निकालना था, ठीक है, बाद में आप सोल्यूशन देखेंगे। f sin 90 upon f plus f cos 90, cos 90 जीरो होता है, नीचे की वैल्यू जीरो हो गई, नाउ यू हैव एफ अपॉन एफ वन विच इज टेन अल्फा, मतलब टेन अल्फा की वैल्यू वन आ गई, और टेन अल्फा वन होता है तो अल्फा कितना होगा, 45 होता है। क्लियर हुआ आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है, आपको फिगर बनानी होती है, फिगर नहीं बनाओगे तब भी काम चल जाएगा, सीधे फॉर्मूले से हमारा काम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लगभग। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इट्स मास इज 5 kg and two forces are acting at the block. One is along east, which is 20 newton, and other force is 20 root 2, which is along northwest. ठीक है, तो northwest का मतलब बिल्कुल बीच में होंगी, हमारे पास दो forces हैं and we have to find acceleration of the block. ठीक है, कि block का acceleration कितना होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए भाई क्या हो रहा है, हमारे पास दो फोर्सेस हैं और जो इनके बीच में एंगल आएगा ना, देखिए ये फोर्स इधर है और ये फोर्स इधर है, दिस एंगल इज 135, क्योंकि जो इसका एंगल होगा नॉर्थ के साथ और वेस्ट के साथ
वो 45-45 होगा, तो बेसिकली दिस एंगल इज 135। तो अभी तक आपने शायद आप 10th से आप 11th में मूव कर रहे हो, तो आपने 90 तक एंगल निकालना सीखा है। 90 के आगे जो एंगल्स की वैल्यू होती है वो आप अभी आप मैथ्स में लर्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे पास दोनों के मैग्नीट्यूड हैं 20, 20 root 2, तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 20² + 20 root 2² + 2ab cos 135। अब इसको आप अभी लर्न कर लीजिए, अपने मैथ्स के सर से आप पूछेंगे और बाय के बच्चे इसको याद कर लें कि cos 135 को हम लिख सकते हैं ऐसे cos 9, ये नोट कर लिए भाई, ये बहुत आएगा क्वेश्चंस में जहाँ पे वैल्यू 90 से बड़ी होगी, तो उसको हम लिखेंगे cos 90 प्लस 45, ठीक है। और जो cos 90 प्लस थीटा होता है ना, जो हमारी cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू होती है दैट इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको आप नोट कर लिए, ठीक है, कि cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला वाले इंपॉर्टेंट है, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। देखिए मैंने वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, तो क्या क्या बनाए, cos 90 प्लस 45 जिसकी वैल्यू कितनी होगी, इट्स माइनस साइन 45 विच इज माइनस 1/√2, ओके। एंड सिमिलरली जो हमारा साइन 90 प्लस थीटा होता है ना, साइन 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है विच इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये तो फॉर्मूले नोट कर लिए, आपको वेक्टर्स में हेल्प करेंगे। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो आप डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत होगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती कि आप आंसर निकाल पाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोनों। साइन 135 को हम क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस 45 जिसकी वैल्यू होगी cos 45, ठीक है। तो देखिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, cos 135 की वैल्यू पुट करूंगा, रिजल्टेंट इज 20 न्यूटन। मुझे एक्सेलरेशन निकालना था ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स विच इज 20 अपॉन मास, मास कितना है इसका बताइए, 5, दिस इज 4 m/s², ठीक है। तो ये इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है दैट इज 20 न्यूटन, इन दोनों का इफेक्ट। फिर हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है कि ये ब्लॉक जाएगा किधर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इतना समझ में आ चुका है वेक्टर्स में कि ना तो इसकी डायरेक्शन जाता है ना इसकी जाता है रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। एंड देन वी हैव रिजल्टेंट का एंगल निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अल्फा एंगल कहाँ से होता है, अल्फा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ए, ये ध्यान रखना आप। यहाँ पे अल्फा होता है ये ए के साथ एंगल होता है। मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी सारी, आप अपने आप सॉल्व करिए, ठीक है, यहाँ से सब कुछ नहीं देखना आपको, वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व करना है। वैल्यू पुट की, नीचे 20 - 20 जीरो आ जाएगा। यहाँ मैंने वैल्यूज निकाल दी आपको सारी कि हाउ टू फाइंड साइन 135 एंड हाउ टू फाइंड कॉस 135। दिस 20/0 विच इज इनफाइनाइट, और 10 में आपको बताया जो इनफाइनाइट वैल्यू होती है वो 90 डिग्री की होती है, तो बेसिकली अल्फा इज 90 डिग्री। जो 90 आया किसके साथ आया होगा, दिस इज एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद वेक्टर ए, और ये हमारा वेक्टर ए था यहाँ पे, दिस इज वेक्टर ए। तो अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो मैं ऐसे दिखेगा, देखिए, ठीक है, दिस इज 20, दिस इज 20√2, ये जो एंगल आएगा दिस एंगल इज 135, ठीक है। जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका एंगल यहाँ से कितना है, रिजल्टेंट का एंगल इसके साथ 90 पे है। इसका मतलब जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक इधर भागेगा इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेशन ऑफ 4 m/s², ये ब्लॉक का एक्सेशन होगा इस डायरेक्शन में। तो ना तो इधर जाने का ना इधर, ये बिल्कुल ऐसे जाएगा ब्लॉक विद 4 m/s², ठीक है। आसान से क्वेश्चन है, आप देखते रहिए, ये डायग्राम समझ आ रहा है आपको कैसे बनाया। दो फोर्सेज हैं 20, 20, लेकिन ये डायग्राम तभी बन पाएगा जब आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल लोगे, ऐसे आप हिट एंड ट्रायल से नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि एंगल 90 आया है, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो बिल्कुल 90 पे मुझे बनाना है, ठीक है। पहले मैं ये ऐसे बनाऊंगा, ये ऐसे बनाऊंगा, ये रिजल्टेंट बनाऊंगा, एंड देन आई विल कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम्स थी वेक्टर एडिशन की, बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम्स। और फिर हम देखते हैं अगला एक पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, है ना, व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एंड व्हाट विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो आपको बताइए जो रिजल्टेंट होता है दैट इज √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। अब देखिए जो रिजल्टेंट होता है दैट डिपेंड्स ऑन एंगल एक्चुअली। तो आप देख सकते हो कि रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम
when cos theta is maximum and resultant will be minimum when cos theta is minimum. ठीक है, ये आपको मैथ से बताया जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos theta is 1 when theta is 0. ठीक है, देखिए लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos theta is 1 when theta is 0 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ cos theta is -1 when theta is 180. ये दो बातें आपको मैथ से पढ़ेंगे आप और बाय परचेस को नोट कर लें, है ना. ये आपको भी याद रखना है कि cos 0 1 होता है, cos 180 -1. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दिस इज रिजल्टेंट, तो इसको मैक्सिमम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos theta की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी विच इज 1. और कब होता है, जब 0. यार सबको पता है, देखिए अब सीधी सी बात है, मेरे पास ये फोन है ना, अगर मैं दो फोर्सेस को सेम डायरेक्शन से लगा दूं ना तो रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम. सबको पता है यार कि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन से आते हैं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है. और अगर एक फोर्स इधर से आ जाए और एक फोर्स इधर से आ जाए तो वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे. वही पॉइंट है बेसिकली. ठीक है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बस इसको मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ मैं. ठीक है, तो सबको पता ना यार, दो फोर्सेस सेम आएंगे तो रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम और दो अपोजिट आएंगे तो रिजल्टेंट विल बी मिनिमम, बिकॉज दे आर कैंसलिंग ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. तो देखिए, मैंने cos theta को 1 पुट कर दिया फॉर्मूले में. 1 पुट करने पर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट कर दिया, दिस इज ए प्लस बी. तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई. और आपको पता भी है कि जब दो फोर्सेस सेम लगते हैं, डायरेक्शन लगते हैं, तो रिजल्ट कितना होता है, ऐड अप कर जाता है. मिनिमम कब होगा, व्हेन cos, तो ये याद कर लेना है कि दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ए प्लस बी. एंड व्हाट अबाउट मिनिमम वैल्यू, when cos theta is minimum and minimum value of cos theta is -1. minimum value of cos theta is -1, तो हम यहाँ पे -1 put करेंगे, तो we have a square plus b square minus 2ab, under root मारेंगे, we have a minus b का whole square which is basically a minus b. okay, तो मैंने बना के दिखा दिया कि a plus b को हमने add कर दिया, एरर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, अगर a और b अपोजिट से आ गए थोड़ा एरो छोटा हो जाएगा, इट्स लेंथ विल बी ए माइनस बी. ठीक है, तो अपोजिट सेंस में आ गया ए माइनस बी. तो क्या हमने लर्न किया कि जो आर मैक्स होता है दैट इज ए प्लस बी, और जो आर मिनिमम होता है दैट इज ए माइनस बी. सबको पता है यार, छोटी सी बात है, बट हम लोग वेक्टर्स उसको समझ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे ए माइनस बी होगा और यहाँ पे ए प्लस बी होगा. चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, है ना, आसान सी प्रॉब्लम्स हैं पास. देन वी हैव दिस प्रॉब्लम, ये भी एनसीईआरटी में शायद, और ये स्कूल में बहुत पूछी जाती है. वी हैव टू वेक्टर्स सेंट. देखो, जब वेक्टर को ऐसे लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, मैंने आपको बताया था. ठीक है, अगर किसी को बात नहीं क्लियर तो देखिए, ये क्या है, दिस इज वेक्टर ए. ओके, अगर मैं एरो हटा देता हूँ, सिंपली मैं ए लिख देता हूँ, तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड. या मैं एरो लगा के इसको दो वर्टिकल लाइंस के बीच में रख देता हूँ, उसका मतलब भी सेम होता है. क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, उसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना, समझे. जैसे ए लिखा है, ए इज 4 meters per second नॉर्थ, तो दिस इज अ वेक्टर, क्योंकि मैंने उसको क्या बता दिया, मैंने बोला आपको किसकी 4 meters per second इसका वो हो गया यूनिट एंड मैग्नीट्यूड एंड नॉर्थ. अगर मैं ऐसे लिख दूं ए सिर्फ, तो दिस विल बी 4 meters per second. ठीक है, यहाँ से आप किसको हटा देंगे, यहाँ से आप डायरेक्शन को हटा देंगे, तो दिस इज सिंपली मैग्नीट्यूड. ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए इज पी प्लस क्यू, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो पी प्लस क्यू है, और जिसका मैग्नीट्यूड है वो पी माइनस क्यू है. देखो, तो ये फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आता है, आप समझ रहे हो ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है बेसिकली ज्योमेट्री के हिसाब से, कि लेंथ होती है और लेंथ हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड. तो दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि जिनका रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज अंडर रूट 2p+q², ये उनका रिजल्टेंट आ गया. तो आपको बताना है कि वॉट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, इसको अपने आप सॉल्व करिए आप. ठीक है, और फिर आप मेरे वीडियो को पॉज करके फिर इससे आप आंसर चेक करिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है. ठीक है, तो देखिए, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, मैंने वैल्यूज पुट कर दी. ठीक है,
और सारा सॉल्व करके देखिए कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आ गई। थीटा कितना हो गया यहाँ पे, थीटा 90 आएगा। वीडियो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बाद में सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। ये बात थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। क्लियर, समझ में आपको? बस कॉस थीटा अननोन था, आपको रिजल्टेंट पता है, रिजल्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि ये रिजल्टेंट लाना है आपको, ये पहले का मैग्नीट्यूड है, दूसरे का मैग्नीट्यूड है और एंगल आपको अननोन है। बेसिकली मैंने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट की, उसको सॉल्व किया। आप ये इक्वेशन लिखिए, खुद सॉल्व करिए एंड ट्राई टू फाइंड थीटा इज 90, ठीक है। जो नेक्स्ट आप डिस्कस करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दिस इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, इस पर बहुत प्रॉब्लम्स तो डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन को बेसिकली यूज करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ा बड़ा सा, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज टू अंडरस्टैंड रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी को समझने में हम किसका यूज करते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, आपको पता है कि अगर कहीं पे लिखा हो, है ना, उसके कहीं पे लिखा है 10-7, तो 10-7 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। उसको लिखने का एक और तरीका है, उसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 10-7 को हम लिख सकते हैं 10+-7, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो आप तो बोलिए 10 से हमने 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, या आप कह सकते हैं कि हमने 10 में -7 को ऐड कर दिया, दोनों बातें सेम है, ठीक है। तो देखिए मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है a-b, ठीक है। अब पहला थोड़ा नेगेटिव वेक्टर समझ लो क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि दिस इज वेक्टर ए, मैंने आपको पहले बताया था दिस इज वेक्टर ए, अगर इसको रिवर्स कर देता हूँ तो दैट विल बी -a, इसको हम नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। कोई बंदा इधर जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से, तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, और कोई बंदा उल्टी तरफ जा रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे -4 मीटर पर सेकेंड, एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विल बी रिवर्स्ड। जैसे प्लस एक्स एक्सिस नहीं होती, वो आगे की डायरेक्शन को बताता है, और माइनस एक्स एक्सिस पीछे की डायरेक्शन को बताता है। तो नेगेटिव इज यूज्ड हियर टू डिनोट डायरेक्शन, तो ये हमारा वेक्टर आगे की तरफ है और ये वेक्टर पीछे की तरफ है, इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो देखो होता क्या है, अब मैं लिख रहा हूँ कि मुझे ए माइनस बी निकालना है, मुझे ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं इसको लिखूंगा कि मुझे ए में किसको ऐड कर देना है, मैं ए में माइनस बी को ऐड कर रहा हूँ, बेसिकली कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखिए मेरे पास दो वेक्टर्स थे ए एंड बी, इस फिगर को थोड़ा हाइड करते हैं, ऐसे देखते हैं, ठीक है। आपको शायद दिख रहा होगा, वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और इनके बीच में कितना एंगल है, इनके बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। और हमें निकालना है ए माइनस बी, ठीक है, हमें वेक्टर ए माइनस बी को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, यार हम बी को रिवर्स करेंगे, जब बी को रिवर्स करेंगे तो बन जाएगा माइनस बी, और उसको उठा के ए को ऐड कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बी को रिवर्स कर दिया, नाउ दिस इज माइनस बी। अब देखो ए की टेल और माइनस बी की टेल आपस में ज्वाइंट है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, पैरेलोग्राम लॉ में आपको टेल और टेल को ज्वाइन करना होता है, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ पैरेलोग्राम एंड यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो देखिए मैंने इसको उल्टा किया, ये ए हो गया, माइनस बी हो गया। देखो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ध्यान रखना आप। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भाई 4 मीटर पर सेकंड इसका मैग्नीट्यूड था राइट साइड में, कोई बंदा राइट में जा रहा था, पीछे आ रहा तो -4 मीटर पर सेकंड जा रहा है, लेकिन आप मैग्नीट्यूड तो 4 ही बोलोगे इसका, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, आप किसी किसी डायरेक्शन जा रहे हो, ठीक है। जब इसको उल्टा करेंगे तो ये हमारा जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो बी रहेगा, बेसिकली मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, यार क्या इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ थोड़ा वो कर दोगे आप नेगेटिव, लेंथ तो सेम रहेगी ना इसकी, सो दिस लेंथ इज ए एंड दिस लेंथ इज बी। अगर ये एंगल थीटा होगा ना, इसको आप रिवर्स मारोगे, देख रहे हो आप, ये पूरा एंगल 180 है, एंड दिस एंगल इज थीटा, देयरफॉर दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। अब हमारे क्वेश्चन क्या हो गया, नाउ वी हैव टू वेक्टर्स, एक का मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, और दोनों में एंगल कितना है, एंगल इज 180 माइनस थीटा। मैं फॉर्मूला तो ड्राइव कर ही चुका हूँ पैरेलोग्राम लॉ का, अब मैं बार बार तो ड्राइव करूंगा नहीं, वही हम यूज कर लेंगे। तो वी हैव आर इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, बस ये आपका डायगनल की लेंथ आ जाएगी, भाई फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, कॉस 180 माइनस थीटा। अब इसको कहीं बड़ा बड़ा सा नोट कर लो, ठीक है, एक और आपके लिए फॉर्मूला आ गया, कॉपी में नोट करते रहना यार प्लीज, कि जो हमारा
कॉस 180 माइनस थीटा होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा। इसको कॉपी में प्लीज आप नोट करिए, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। इसको फॉर्मूले नोट करते रहो, रटने पड़ेंगे आपको, अभी मैं समझाऊंगा नहीं, जब मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा तो थोड़ा बहुत समझाऊंगा कि कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, कॉस 180 माइनस थीटा की प्लेस पे क्या पुट कर दिया गया, माइनस कॉस थीटा। सो फॉर्मूला हमारा आ गया आर इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है, एंगल निकालना, दिस एंगल इज अल्फा, अल्फा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ए, तो दिस इज अल्फा। फॉर्मूला हमारे पास पहले निकाल चुके हैं, उस फॉर्मूले में सिर्फ हमें थीटा की प्लेस पे क्या पुट करना है, 180 माइनस थीटा, सब कुछ सेम रहेगा, ओके। सो मैंने यहाँ पे 180 माइनस थीटा पुट कर दिया और यहाँ पे मैंने 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये भी आपको रटना पड़ेगा कि साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ओके, एंड कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है। दो फॉर्मूले आपके और आ गए, अभी मैंने आपको बताया कि कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, दैट इज माइनस कॉस थीटा, बट साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। कुछ नहीं कर सकते हो आप, आपको हो सकता है ये फॉर्मूले कैसे करेंगे क्या करेंगे, बट अगर नहीं करोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये समझ लो आप, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा रटना ही पड़ेगा, ठीक है, बहुत दिमाग लगाने का नहीं, कैसे आ रहा है क्या आ रहा है, फाइनली आप मैथ्स में सब लर्न करोगे बातें, बहुत छोटी सी बातें हैं, बट अभी मैथ्स में आप नहीं पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ इनको रटिए फॉर्मूलों को, इनके बिना काम नहीं चलने वाला, अलग नोट करते जाइए इन फॉर्मूले एंगल्स वाले, ठीक है। अलग एक वो बना लीजिए आप कॉपी, कॉपी में सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ओके। देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा एंड दिस माइनस कॉस, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, लेकिन किसका एंगल आया अल्फा, दिस इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इसके हम बहुत प्रॉब्लम्स अभी नहीं करेंगे, जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी प्रॉब्लम्स को करेंगे सब्ट्रैक्शन की। अब एक छोटा सा पॉइंट होता है यार, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है यार, पूरा क्वेश्चन पता चला सब आपको वेक्टर्स में कहानी आती है, एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स पूरी कहानी गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आपको स्पेस में कहीं भी टू वेक्टर्स बने हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं, फर्स्ट वन इज टेल टेल मेथड एंड सेकेंड वन इज हेड हेड मेथड, ठीक है। आपको दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करना है, बात बहुत ध्यान से नहीं है, आपको दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करना है, और जब उनके टेल को ज्वाइन करेंगे तो बेसिकली वहाँ पे दो एंगल्स बनेंगे। देखिए ये दो वेक्टर्स थे ए और बी, मुझे इनका एंगल फाइंड करना है, मैंने इनको दोबारा रीड्रॉ किया और ए और बी के टेल को ज्वाइन कर दिया, एक एंगल तो ये बड़ा सा बन के आएगा देखो पीछे, और एक छोटा सा एंगल बन के आएगा, जो स्मॉल एंगल होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो ये एंगल होता है वेक्टर्स के बीच का। ये दूसरा मैं काम क्या कर सकता हूँ, ज्वाइन हेड एंड हेड, देखिए मैंने ए बनाया मैंने बी बनाया, दोनों के हेड हेड को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और ये एक एंगल बन रहा है और एक बाहर ये एंगल बन रहा है, तो छोटा एंगल होगा दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो ये हमारा वेक्टर्स के बीच का क्या हो गया, दिस इज एंगल, ओके। ऐसे हम एंगल को फाइंड करते हैं, ओके। एंड देन वी हैव ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। समझते भाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, कुछ नया नहीं है यार, बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ से ही निकल के आया है, ठीक है। तो देखिए आप इसको देखिए, पहले पैरेललोग्राम लॉ को ध्यान से देखिए, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ, वी हैव वेक्टर ए वी हैव वेक्टर बी, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जो डायगोनल होता है दैट गिव्स यू रिजल्टेंट, ठीक है। मैं ऊपर की फिगर को हाइड कर देता हूँ, इतनी फिगर को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, एंड नाउ दिस इज ट्रायंगल लॉ, दिस इज वेक्टर ए दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज रिजल्टेंट, ठीक है। मैंने वही यहाँ पे बना रखा है, देखिए नीचे की फिगर को बना रखा है मैंने सिर्फ, ठीक है। और अगर ये एंगल थीटा होगा यार, अगर ये एंगल थीटा ए और बी के बीच का, देखो ये एंगल तो थीटा आएगा, थीटा नहीं आएगा ये एंगल, दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, मतलब अगर आपको यहाँ पे एंगल थीटा बना हुआ है तो जब आप इनकी टेल और टेल को दोबारा लाके ज्वाइन करोगे ना तो यही फिगर तो बनेगी, तो यहाँ भी एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा, समझे। कभी कभी फिगर में यहाँ पे थीटा एंगल बना देता है, तो आपको कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया कि इसकी टेल को उठा के ज्वाइन करो, यही फिगर बन जाएगी एंड दिस विल बी एंगल थीटा, और ये थीटा सेम है, ठीक है। तो दिस इज रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ में पता क्या बोलते हैं हम,
देखिए रिजल्टेंट आ गया हमारा, दिस मेथड इज कॉल्ड हेड टेल मेथड। तो जहां पे ए का हेड फिनिश हुआ वहां से हमने बी की टेल शुरू कर दी और इसको ट्रायंगल के साइड को कंप्लीट कर दिया एंड दिस इज योर रिजल्टेंट। ठीक है, पैरोग्राम लॉ से थोड़ा इजी पड़ता है इसलिए पैरोग्राम लॉ को लोग ज्यादा यूज करते हैं समझाने में, है ना। ट्रायंगल लॉ से भी कभी कभी बुक में समझाया जाता है। क्लियर हो आपको, दिस इज वेक्टर ए। तो जहां पे इसका हेड फिनिश हो रहा है, देखो अगर ये वेक्टर बी है ना तो ये आपको बताना भूल ही गया कि ये भी वेक्टर बी होगा बिकॉज दे आर सेम इन मैग, जो इसकी लेंथ है वो इसकी लेंथ है, दे आर सेम मैग्नीट्यूड, जो इसकी डायरेक्शन वही इसकी डायरेक्शन है, बेसिकली दे रिप्रेजेंट सेम वेक्टर्स। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज रिजल्टेंट। तो जहां पे ए का हेड फिनिश हुआ वहां से हमने बी की टेल शुरू कर दी और ऐसे ज्वाइन किया, फिर हमने इसको उठा के ऐसे ज्वाइन कर दिया, दिस इज रिजल्टेंट। इसको आप उल्टा नहीं कर सकते हो, इसको ऐसे ही ज्वाइन करना है, आपको ए टू बी ज्वाइन करना है। अगर आप ए और बी को ऐड कर रहे हैं तो इसको ए से बी आपको ज्वाइन करना है। तो ये होता हमारा ट्रायंगल लॉ। तो क्या समझ में आया, देखिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट क्या है इसका, ट्रायंगल लॉ को लिखने को आता है। देखिए आप, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर, दिस इज टेल, दिस इज हेड, देन दिस इज वेक्टर बी, ये रहा इसका टेल, ये रहा इसका हेड। तो ऑर्डर चल रहा है ना, टेल हेड देन टेल हेड। ओके, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स को बता रहे हैं, ठीक है, देन थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, ये थर्ड साइड है। रिवर्स ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, या टेल हेड, टेल हेड, अब टेल और हेड आना चाहिए था, ऑर्डर चल रहा ना, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, मैंने उसको उल्टा कर दिया, हेड टेल कर दिया। अभी आपको अपने हिसाब से समझना है, जैसे भी आप समझें, ठीक है। तो थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर गिव्स रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, बस आपको ऐसा ना हो कि टेल हेड करके इसको ऐसे ज्वाइन कर दो आप, तो इसको आप उल्टा करके बना देंगे, तो दैट गिव्स यू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। फॉर्मूला वही रहेगा, समझे, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आने का, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, सब कुछ वही है यार, यही फिगर तो है बेसिकली, तो चेंज तो हो नहीं गया, बस हमने अपर हाफ को गैप कर दिया है, कुछ ज्योमेट्री तो हमने चेंज नहीं की ना, ज्योमेट्री जो हमने चेंज नहीं की तो फॉर्मूला भी वही रहेगा, एंड दिस इज टेन अल्फा इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रायंगल लॉ। अब आप दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, ये दो हमारे वेक्टर्स हो गए ए एंड बी, ठीक है, और अब हमें इनको ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है, कैसे, यूजिंग ट्रायंगल लॉ एंड पैरेलोग्राम लॉ। देखो मैं इसको ऐड करता हूँ यूजिंग ट्रायंगल लॉ, क्या करूँगा मैं, हेड टेल मेथड है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है यार, ये वेक्टर्स बने हैं, आपको देखो क्या करना है, ये फिगर ड्रॉ करिए कॉपी में और अपने आप ए प्लस बी और ए माइनस बी बना के देखिए, फिर मेरे से क्रॉस चेक करिए, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ और आप देखते जा रहे हैं। तो ये थ्री फिगर्स हैं बेसिकली, वन टू थ्री फोर फिगर्स, आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कर लेना है, सारे आंसर्स बनाने हैं, फिर आपको क्रॉस चेक करना है। देखो मैं बना रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड हेड टेल मेथड। तो पहले मैं ए बनाऊंगा, जहां पे ए का हेड फिनिश होगा आई विल स्टार्ट टेल ऑफ बी, ऐसे मैं इसको बना दूंगा, दिस इज टेल ऑफ बी, और फिर मैं ऑर्डर को उल्टा कर दूंगा, ऐसे नहीं चलूंगा मैं, ऐसे जाऊंगा, एंड दिस गिव्स मी रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा ए प्लस बी आ गया। अब मुझे निकालना था ए माइनस बी, तो दिस इज ए प्लस बी। अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है तो मैंने बोला ए माइनस बी निकालने के लिए आपको बी को उल्टा करना पड़ेगा, आप बी को उल्टा करोगे, ठीक है, तो दिस विल बी माइनस बी। आप किसको ऐड करोगे, ए और माइनस बी को ऐड करोगे, आप माइनस बी में भी ए को ऐड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो पहले मैंने ए को बना दिया, दिस इज ए, और जहाँ पे ए का हेड फिनिश होगा आई विल स्टार्ट टेल ऑफ माइनस बी, क्योंकि इस बार मुझे ए में किसको ऐड करना है, मैंने बोला ना वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हमें माइनस बी को ऐड करना होता है, तो दिस इज माइनस बी। ऑर्डर ऐसा चल रहा था, इस बार ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, सो बेसिकली दिस इज ए माइनस बी, ये हमारा ए माइनस बी आ गया। अगला देखते हैं ए प्लस बी, चलो इस बार पहले बी को बना लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट आई विल ड्रॉ बी, दिस इज बी, देखो ऐसे बना दिया मैंने बिल्कुल सेम जैसे बी था, ऐसे मैंने बी यहाँ पे बना दिया, जहाँ पे बी का हेड फिनिश होगा आई विल स्टार्ट टेल ऑफ ए, दिस इज टेल ऑफ ए, ऐसे बना दूंगा। अब ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, दिस विल बी ए प्लस बी।
अब मुझे ए माइनस बी निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं ए बनाऊंगा, दिस इज वेक्टर ए, फिर क्या करूंगा मैं माइनस बी बनाऊंगा, तो इफ दिस इज बी सो दिस विल बी माइनस बी, ये माइनस बी हो जाएगा। अब जहां पे ए का हेड फिनिश होगा वहां से मैं माइनस बी की टेल बनाऊंगा, तो दिस इज माइनस बी, मैं ऐसे बना दूंगा दिस इज माइनस बी। सेक्वेंस ध्यान रखना, सेक्वेंस उल्टा नहीं करना है, फिर सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ऐसे गए तो ऐसे ना जाके हम उल्टी तरफ से आएंगे ऐसे, ठीक है। ऑर्डर को उल्टा कर देना होता है, दिस इज ए माइनस बी। अब इस तो आपने आप करी लोगे आप, चलो एक और दिखा देता हूं मैं लास्ट आपको। दिस इज ए, मैंने ए को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सेम। फिर मैंने जहां पर इसका हेड फिनिश होगा वहां से मैं बी की टेल शुरू करूंगा। आपको सारे रिजल्ट अपने आप बनाने थे, एंड देन मैं इसको उल्टा करके बना दूंगा, दिस इज ए प्लस बी। ए माइनस बी के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट आई विल ड्रॉ ए, दिस इज ए, ओके, ये बी है तो इसका उल्टा करूंगा, दिस विल बी माइनस बी, है ना। तो यहां से मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा, आई विल ड्रॉ माइनस बी, देन उसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, एंड दिस गिव्स मी ए माइनस बी। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। एक और देख लेते हैं लास्ट, अब कॉपी में बनाई दिया है तो दिस इज ए, जहां पे ए का हेड फिनिश होगा आई विल स्टार्ट टेल ऑफ बी, सो दिस इज बी, ऑर्डर उल्टा करूंगा, दिस इज ए प्लस बी। ए माइनस बी बनाना है तो मैं ए बनाऊंगा पहले, दिस इज ए, बी को मैं उल्टा करूंगा, दिस विल बी माइनस बी, एंड दिस विल बी ए माइनस बी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ट्रायंगल लॉ क्लियर हो गया है। पैरेलोग्राम लॉ तो बहुत सिंपल होता है यार, आपको बस दोनों की टेल टेल को ज्वाइन करके ट्रायंगल बना देना होता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट जरूर नोट कर लेना, ठीक है। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, अगर आप नहीं लिया है। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स, देन थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर गिव्स रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। कुछ नहीं है, वही है क्या, पैरेलोग्राम लॉ का हाफ कर दिया हमने, एंड वी हैव ट्रायंगल लॉ, ओके। चलिए ठीक है, अब अगली साइड में हम और पॉइंट डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को।